500 1000 के नोट बंद किए हैं, कह रहे हैं सरकार कि टेररिस्टों को इससे फायदा नहीं पहुंचा। ये मजाक है अपने आप में। वो कह रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट का इस्तेमाल आतंकवाद में होता है, तो आप बताइए, अब वो कह रहे हैं कि आतंकवाद में 500 और 1000 की इस्तेमाल मत करो, मेरा नाम है नरेंद्र मोदी, मैं तुमको 2000 की दे रहा हूँ। तो इसमें कौन सी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आतंकवाद को आप इससे रोक लगाएंगे। गरीबों को जाली नोट, जाली नोट बंद करने का बात आप कह रहे हैं, तो 2000 की अब वो बनाएंगे जाली नोट, 500 की बनाएंगे जाली नोट, पहले 1000 और 500 की बनाते थे, अब आप कह रहे हैं नहीं 2000 की बना लो, हम और रास्ता खोल रहे हैं तुम्हारे लिए। सर, गरीबों को भी बड़ी परेशानी हो रही है, जिनकी शादियां हैं, गरीब आदमी को बहुत, जिसके बेटी की शादी है आज क्राकरी वाला पैसा नहीं ले रहा है, टेंट वाला पैसा नहीं ले रहा है, उसके दूल्हा आएगा तो तेल गाड़ी में कहाँ से डलवाएगा, टोल प्लाजा पे चले जाइए, पेट्रोल पंप पे चले जाइए, किसानों से जाके पूछिए, आम मजदूर से जाके पूछिए, हर आदमी परेशान हो रहा है इससे। कदम कैसे मानते हैं? ये बेवकूफाना कदम है और ये तुगलकी फरमान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो साफ तौर पर हमारे साथ संजय सिंह जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये भारत सरकार ने जो फैसला लिया है ये बिल्कुल तुगलक के फरमान है और एक बेवकूफ़ी का एक तरीके से साफ तौर पर नज़र आता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मलि अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली।